बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी टिप्स। तो व्यूअर्स, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी आज की वीडियो एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी कान में दर्द के बारे में है। व्यूअर्स, जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों के गले टॉन्सिल्स जो हो रहे हैं, गले में बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम की वजह से गले में दर्द हो रहा है, और जब वो नज़ला ज़ुकाम होता है और हम उसके लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम तो वो रुक जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसका अफेक्ट हमारे कानों पर हो जाता है, क्योंकि वो जो रेशा होता है वो निकल अगर नहीं निकलता तो बाद में जो है वो हमारे कानों में जम जाता है। उन कानों में जमने की वजह से वो कान बहुत ज़्यादा शदीद दर्द करते हैं, और बच्चे जो होते हैं कान के दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा जो है रोते हैं। तो आज मैं उसके लिए जो है नानी दादियों के जो हमारी रेमेडी है, जो कि हमारी नानी दादी हमारी सदियों से हमारे हमें हम पर यूज़ करती थी, हमें बताती थी, हम वो यूज़ करते, आज मैं अपने बच्चों के लिए भी वही यूज़ करती हूँ, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज वो रेमेडी आपको बताऊँ। उसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए है, मस्टर्ड ऑयल जो है, सरसों का तेल, और सरसों का तेल जो है उसको हम गर्म कर लेंगे और बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो है उसमें हम क्या डालेंगे, लहसुन के जवे। लहसुन के जवे अगर बड़ा है तो एक ही डाल लें, अगर छोटे हैं तो दो तीन डाल लें, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने तेल में उनको जलाना है, इतना जलाना है कि वो बिल्कुल काले हो जाएँ। जब वो ब्लैक हो जाएँ तो उसके बाद आपने क्या करना है, उन जवों को निकाल देना है, और तेल जो है कान में दर्द के लिए यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आपने क्या करना है, ये तेल जब तक बच्चे के कान में दर्द है डेली 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं, और आप देखेंगे बिल्कुल कान का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर व्यूअर्स आपको जो है मेरी ये रेमेडी पसंद आए तो प्लीज़ व्यूअर्स सब्सक्राइब माई चैनल, देन प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मेरी आने वाली